आज कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हो गए। जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम आज अनुसूचित क्षेत्र व संविधान के किसी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत खैरबनी सामू टोला में पिछले 2012 से कचड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका पूरा खैरबनी सामू टोला ग्राम सभा विरोध कर रही है। मैं जयराम हंसदा और यह मेरा आदिवासी समुदाय। मेरा नाम है मदन भूमिज, मेरा पिताजी का नाम है चुनू भूमिज। मेरा जमीन कचरा फैक्ट्री जबरदस्ती लेने खोज रहे हैं, हम जमीन नहीं दे रहे। हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती कचरा फैक्ट्री हमारा जमीन लेना चाहता है। हमारा 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। इस सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए कुल 34 एकड़ जमीन चाहिए, जिसमें से 31 एकड़ जमीन गैर मजरूआ है व 3 एकड़ जमीन रैयती है। इस संबंध में 5 अगस्त 2013 को खैरबनी सामू टोला में ग्राम सभा किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीओ ने की, जो कि गैर कानूनी है। खैरबनी सामू टोला एक राजस्व ग्राम है, जिसके कुल 7 टोलाएं हैं। सामू टोला भी उसकी एक टोला है, जिसकी कुल जनसंख्या 450 से अधिक है। इसमें आदिवासी हो समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। हम एक इंची भी अपना जमीन नहीं देंगे। सरकार सॉलिड वेस्ट प्लांट नहीं बल्कि आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती लूटना चाहती है। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत 107 अवैध बस्तियां बसी हुई है, उसके आसपास 7 से अधिक गोल्फ ग्राउंड है। सरकार चाहे तो वहां ये सॉलिड वेस्ट प्लांट कचड़ा प्लांट लगा सकती है, परंतु नहीं, वह जबरदस्ती राजस्व ग्राम व निरीह आदिवासियों को निशाना बना रही है। मेरा जमीन कचरा प्लांट लेना चाहती है, हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, एक इंच भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरा यहीं का जमीन है। कचरा प्लांट मेरा जमीन लेना चाहता है, हम किसी भी कीमत में जमीन नहीं देंगे। आप तमाम दर्शकों से यह अपील है कि खैरबनी सामू टोला की जमीन को लूटने से रोके। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम झारखंड के उपायुक्त महोदय अमिताभ कौशल को फोन कर दबाव बनाएं। उनकी दूरभाष संख्या है 9431140525। मैं जयराम हंसदा, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड, इंडिया अनहर्ट से।